ईमान की कह रहा हूँ बापू, अब देखो आप तो बुढ़ाई गए और ये जन्नो हमरी कौनो खबर ही नहीं रखती। ये देखो, नहीं देखो देखो, ससुर जखम हुआ पड़ा है। जखम? तुमका हमरी नहीं, बापू की जरूरत है। बापू है? लाखा के हाथ में फांस लग गई है। अभी लाखा का क्या करूं, लकड़ी कम और हाथ ज्यादा काटता है। का करूं इसर चाचा, कट ही जात है। कच्चा से काका, मैं भुवन को लाती हूँ। अरे सुन तो, मिले तो कहियो कि माई घर पे बाट जोहत है। Finally, got the darn creature. Well done, sir. Good shot. Thank you, Ramsey. Now for something a little bigger. Arrest him, sir. This darkie was hiding in the bushes with this stone in his hand. He'd been distracting the deer all the time. Sumja. Hans ba maeserun kokyo nahi masaka. Tum. Jamdaro ke rakshak ho. Kisan hai huzur Champaner ka. Well, you must be a very good runner. Try saving this one. Next time, I will shoot you. Ugly bana shana tumi banonga. Captain Dadal, huzur. Raja Puran Singh Jala, Central Bank mein aapka intezar kar rahe hain. Puran Singh, what could he want now?
ला फाड़ के काहे चिल्ला रही है? मैं तोहे ढूंढ रही थी, नहीं दिखे तो कहाँ मर गए? मैं कहाँ जानू कहाँ? हरम कहाँ सगुन बोल रही थी, इतना नाराज काहे हो रहा है? खैर मतलब क्या, क्या बात है? एक खास बात कहनी थी। का बैठा सही बोल। आज गुरन ने मेरा नसीब बताया। अच्छा कब फूट रहा है? दत मैं नहीं बता। ठीक है बता। अरे बता ना। गुरन ने कही कि इसी साल मेरे हाथ पीले हो जाएंगे, मंदिर ब्याह। अरे वाह, तो बड़ी खुशी की बात है, हैं? छंद से बजेगी तेरी पायल, छोरा कौन है? मुझे क्या पता, गुरु ने ही नहीं बताया। पर गुरु ने इतनी जरूर कही कि जिस घर में मैं जाऊंगी उसके आंगन में एक नीम का पेड़ होगा, घर के बगल में एक बड़ा खेत होगा, दो गाय होंगी, एक जोड़ी बैल, तीन बकरियां। गुरन ने कही कि मोरा घर एक छोटा सा स्वर्ग होगा। वाह क्या बात है, तो है नसीब वाली। नसीब वाली का खाक नसीब वाली? भाई घर स्वर्ग और का चाहती? राम जाने का होगा मोरा। अच्छा भुवन एक बात बोल, तुहे कैसी छोरी पसंद है? मुहे तो वही छोरी पसंद आवेगी जो मोरी माई को पसंद आवेगी। माई को पसंद आवेगी? अरे भगवान का हुआ? दरअसल मैं तो ये बताने आई थी कि माई ने तुहे बुलाया है। अब बता, अब रही है इतने वक्त के बाद? अब तू बैठ गया, हम चले। भुवन भुवन माफ कर दे। प्रोसेसी कैसा रहा शिकार आपका? The British Empire is the best in the world, नहीं? बिल्कुल, लेकिन हमें फिक्र हो रही है। क्या? जब शिकार जंगल में खत्म हो जाएगा कौन सा खेल खेलेगी आपकी बंदूक? हमारी खुशकिस्मत आप यहाँ पर रहे हैं, लेकिन हम वजह नहीं जानते। हम अपनी प्रजा की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर आए। दरख्वास्त? Well, good morning, Eliza. Good morning. Johannes, pesh karta hoon Mary Pierre Behen Elizabeth. Kalrat ko hi aaye London se. Elizabeth, His Highness Raja Puran Singh Chala of Champaner. Alab phalab, khushi hui milkar. Raja ji, isse Hindi nahi aate. Of course. Charmed to meet you. Pleased to meet you, Your Highness. Sir? Paddy Smith. Raja ji. Elizabeth, I'd like you to meet my deputy, Lieutenant Patrick Smith. How do you do, Lieutenant Smith? Pleased to meet you. Gentlemen? So, Rajaji, hukum. पिछले 3 साल से हमारी प्रजा ने सिद्धेश्वर के मंदिर में पूजा नहीं की है। उनका विश्वास है कि पिछले साल जो उन पर तकलीफें आई हैं, वहाँ पूजा करने से खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रांत में मंदिर है उस प्रांत के राजा हिराजा दिलया सिंह आपका चचेर भाई और दुश्मन और आपका अजीज दोस्त। मुझे विश्वास है कि अगर आप दिलेर सिंह से बात करेंगे तो वो बात टालेगा नहीं। नहीं जी नहीं, शुक्रिया, हम शाकाहारी हैं, आई मीन वेजिटेरियन। तो कैप्टन रसल क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? Well, he could be persuaded. आपका काम हो सकता है, but on one condition.
एक शर्त है। शर्त? हाँ हाँ कहिए। Eat the meat, Your Highness. आप ये गोश्त खाए और मैं दलेर सिंह से बात करूंगा। As I told you, I'm a vegetarian. हम शाकाहारी हैं। सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा। You eat it and consider your job done. Andrew. Eat the meat. हमारे गोश्त खाने से मंदिर का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ मैं आपको गोश्त खाते हुए देखना चाहता हूँ। कैप्टन रसल, कर्म का धागा पहनने के लिए हम धर्म का धागा नहीं तोड़ सकते। I'm sorry. Well, ठीक है। तो फिर आप मुझे डबल टैक्स दीजिए। तुमना लगा? देखिए रसल जी, पिछले साल आधा लगान भी मैंने आपकी कने पर कबूल किया था, वो भी देरी से। इस साल उस लगान की भरपाई करनी पड़ेगी, सो दुगना लगा। सर, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। ब्रिटिश राज हिंदुस्तान के बारिश से नहीं नहाता राजा। बारिश है नो बारिश, मुझे तो ये चावनी बरकरार रखनी है, उसका कच्चा उठाना है, उनका खाना पीना कपड़े सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए। किसान देंगे कैसे? कम ऑन राजा जी, सिर्फ दुगना लगान ही तो है, और फिर आप कुछ भी तो नहीं कहते। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 अभी समझ में नहीं आवत है। जरूर कोनो खास बात। ए बाघा, ढोल काहे पीटे जा रहा है? ई बूंद गिरे से रही। मनहूस, साला मनहूस, असगुन बोलत रहत। काली जान, इस साल जितना गेहूं बाजरा चावल लगान पड़ता है उसका दो गुना लगान वसूला जाएगा। सारे प्रांत पर भी लागू होगा। का किए हैं जो दुगना लगान भरे? पिछले साल हम बखत से लगान नहीं दे पाए और दिए भी तो आधा। पर अब्बा, छूट तो राजा जी ही दिए थे ना बरखा की कमी से। दादा रे दादा, एक साल गुड़ और अगले साल गाली, मतलब तब की सजा अब भुगते बारे महाराज। लखा, राजा जी के खिलाफ कौन उस बात नहीं सुनेंगे हम। राजा जी और उनका पुरखा नहीं हम लोगों के सर पर साया रखे। तबरस कह रखा है तो एहसान किया है, छाव देना पेड़ का धर्म होता है। हम तो सिर्फ इतना डालना चाहिए कि आखिर भूखे पेट कब तक उनकी मलारे गावे, उनकी गोदामे भरे। बात समझो अर्जुन, ये दुगना लगान राजा जी का नहीं, वो गोरे सांडों की मांग है। मुखिया जी,
चाहे दाहिने हाथ पर धरो चाहे बाएं पर, लगान तो हमका दहेक पड़ी। हम तो कहे थे सब जने मिल के राजमहल चलो और राजा जी से बात करो, ये बादल उनसे छुपे नहीं है, उनसे कहो कि इस साल हम लगान नहीं दे पाएंगे, एक और दाना नहीं। और ये सब सुनने के बाद राजा जी मना कर दिए तो फिर सारी अलग अलग उंगलियों की मुट्ठी बन जाए मुखिया जी। मतलब तुम लड़ोगे? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी। तो हर खोपड़ी घूम गई है भवन, राजा जी के साथ गुस्ताखी करोगे तो खुद तो डूबोगे, हम सब का भी लाइक डूबोगे। अब ये कौन सी जिंदगी सुख भोग रही है, डूबे नहीं है का? जो भी हो लेकिन हम पूरे गांव पर ढूंढ नहीं उड़े देंगे। का चाहते हैं, का है आप? घर बार बेच दें, गाय बैल और तन बेच दें, दुगना लगान भरे खाते, कौनो इंसाफ है? मुखिया जी वो नहीं मारा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भैया हमारे महाराज जी से मिलना बहुत ही जरूरी है, हम महल हुई के आए रहे हैं। ठीक है लेकिन उनका खेल चल रहा है अभी, आप यहाँ बैठो, उनका खेल खत्म होने तक आप रुकना पड़ेगा। हाँ। बैठो बैठो। ठीक है बैठो बैठो। कहाँ खेल रहे हैं? का जाने ससुरे का खेल रहे हैं? हमारा गिल्ली डंडा है ना, वैसे ही कुछ दिखे। कभी गोरे ससुरे बालकन का खेल काहे खेल रहे हैं? बादल आए गए का? Isn't that a wonderful shot? You are not supposed to touch the ball. यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? माफी चाहते राजा जी, हम यहाँ से मिले के वास्ते आए थे, इनका ही ठुक ठुक वाला सड़ियल भद्दा सा खेल देखने नहीं, हमारा दर्द जाना तो दूर, वो गोरे ने बुरा पर हाथ छोड़ दिया। कैप्टन असल तुमने जो कहा हमें पसंद नहीं आया। माफ कीजिए, ये समस्या लेकर आए हैं, बहुत दुखी है, वही लड़का तो वैसे ही नादान है। इतना बिना दान नहीं है, जंगल में तुम ही थे ना। ठीक है इसका फैसला खेल की बात करेंगे, लीव हिम, कम ऑन चैप्स, खेल के बाद बात करते हैं। जो आगे महाराज जय हो। अब बताओ मुखिया जी क्या बात है? महाराज जी आप तो जानते ही हैं, आज तक भी बरखा नहीं हुई है और हमारे पास जो कुछ है
उसमें ई साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। सो अन्नदाता, हम आपके पास पहले भी करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दें भाई बाप। देखो मुखिया जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हैं। गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम योर हाइनेस? कैप्टन रसल, किसान एक अर्जी लेकर आए हैं। वो क्या? ये चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ कर दें, पर हमने बता दिया है कि ये नामुमकिन है। देखिए, लेकिन ये मुमकिन है। वो कैसे? हम बताते हैं। ठीक है, हम लगान माफ करेगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है लाट साहब? तुम इधर आओ। क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? पुरेडी से? हाँ, सदिया बदासा खेल है। तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? बचपन से खेलते आ रहे हैं। हामी का गिली डंडा खाते हैं और आप न जाने का क्रिकेट। तो तुम्हारे ये कहने है कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो? हाँ, आसान है। ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। शर्त ये है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारे लगान माफ कर देगा। I'm serious. You beat us in this game, and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी तीन गुना लगान देगा। ठीक है, बोलो, शर्त मंजूर है? Sir, I think the cat's caught his tongue. Quiet. ठीक है, हम शर्त बराबर है। तुम हमको इस खेल में हराओगे तो तुम्हारा इस साल का तो किया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा। है मंजूर? कौन कुछ मत कहना। चुप रहना बोल। ठीक है, हम शर्त और बढ़ाते है। सिर्फ एक नहीं, अगले दो साल का लगान माफ कर देगा यानी तीन साल। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सारे प्रांत का। अब मंजूर है? फसाए के खातिर गड्ढा खोदा जा रहा है भुवन। हाँ भुवन। मुखिया जी, आप बात करें। मुखिया, यहाँ बात करो। आपसे बात करो। लाट साहब। शाह साहब। तुम बोलो, दुगने लगान दोगे केशत मंजूर है?
शर्त मंजूर है। ठीक है तो फिर ये ठहरा रहा खेल ठीक 3 महीने बाद खेले जाएगा। This is unfair. So's life. जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरेक पड़ी और ये नामुमकिन शरत ई भुवन ने मंजूर कर ली। इतने का किया भुवन, अब दुगुने से 3 गुना। सत्यानाश, हम तो पहले कहत रहन कौनो बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहन भुवन। और कौनो चारा था, मैं पूछू था कौनो चारा, क्या कर सकते थे हम? दुगना लगान जबरदस्ती नहीं है, भरे की ताकत है, बताइए भर सके है कोई? ये विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। हम सिर्फ जोश महा नहीं किए, चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जला है पड़ी। मानित है, मानित है कि हमारा पलड़ा हल्का है, मगर ये उम्मीद तो है और यही उम्मीद का हम सच्चाई में बदलना चाहे थे। ये खेल है हमारे खेत खलियान के लिए, भूल गए अगर जीते तो 3 साल सुखी होंगे, 3 साल। जरा सोचो 3 साल कौनो लगान नहीं, जाने हो इसका मतलब, मतलब हमारा अनाज सिर्फ हमरा होगा, किसी को दाना नहीं देना पड़ेगा। हिमा हमारे बच्चों की, हमरी, सारे गांव की खुशहाली होगी। हमारा पसीना हमरे तन में खून बन के दौड़ेगा। चाबास, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। हाँ अर्जुन, हम सपना देखते हैं और सपने वही साकार कर पावे हैं जो उन्हें देखा थे। इसर काका, 3 महीने का वक्त कम नहीं होता, हम खेल सीख भी सके हरा भी सके। अरे छोड़ो भवन, 3 महीना, साल भर भी डंडी पीटो तो भी फिरंगी खेल ना सीख पाई हो। हम जाने था ये आसान नहीं इलाका, मगर मुखिया जी यह संभव भी नहीं है, हम आप सबका साथ चाहिए थे। गांव का कोनो आदमी तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं देगा भुवन। मगर इस्माइल, बस भुवन बहुत हो गवा, अब एक ही आस है, हम सब लोग एक बार फिर राजा जी के पास जाएंगे और जान बचाने की गुहार करेंगे। सोच रही मां, आज जो हुआ वही के बाद मां बेटा। मां तोरी कसम, मैंने जो किया ठीक किया। मन कटता है मोरा जब हम राजा का लगान भरते हैं और वो फिरंगियों की गंदी हथेली पे धर देते हैं। तू बोल मां, धरती की छाती चीर के बीज कौन बोए? हम बोए, फिर सीजे कौन है? हम ही, फिर लगान उनकी गांठ काय बांध दे? गोरा साहब की बात मां, 3 साल का लगान माफ करे की बात थी, मैं का गुंगा हो जाता मां। तू बोल, गुंगा हो जाता मैं का? मां क्या देख रही है? नहीं रे, तू बिल्कुल तेरे बाबू की तरह बोला था, वो ऐसे ही जो चारों थे,
गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझसे मिलने आई थी, तो ही बताने आई थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा है मुझे तुझ पे, तुम्हारी हिम्मत पे। बस इतना ही कहने आई थी। बताता हूं, क्या पता क्या होगा। अरे हमार बाप दादा खेलत आ रहे हैं गिल्ली डंडा। चल अभी तरफ चल, और पीछे, और बस अब गोला पकड़। अरे ठीक से पकड़ टीपू, ला इधर हम दिखा दें। देखा, बहुत आसान है। अरे तू भी सीख सके है, ये खेल बिल्कुल गिल्ली डंडे जैसा ही है। ये ले गोला, शाबाश। क्या बात है, क्या बात है, वाह टीपू, है ना आसान। अब गोला फेंक, मारते कैसे है ये दिखाता हूं। वाह कहाँ फेंकता है गोला, तू तो गोला बहुत अच्छा फेंकता है टीपू। हाँ गौरी ला दे। ए गौरी ये क्या कर रही है, चल पानी गरम कर। ले टीपू अब की बार देख। अरे बहुत आसान है। ससुरा डंडा फिसल गया। अरे हाथ में पसीना है ना। अब ठीक है, आपकी फेंक टीपू। और बुरा मत मानियो, अब की बार बहुत जम के पीटेंगे हम। जम के पीटेंगे। Thank you.
बापू एक बात कहूं? का? मोहे लागत है भुवन ठीक ही कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, देख पानी गर्म हुआ कि नहीं। की तरह हम तुम्हारे साथ हैं। बापू ये तो रामप्रसाद और नामदेव है, तंतपुर और भिंड के मुखिया। पर इतने लोगों के साथ भुवन कौन है? भुवन ओरा पूरा भुवन पड़ेगी माफी खेल से चूरे भार में संदेह नहीं समझे जान ले तुम्हारे धीरज धरो राम प्रसाद तुम जो कह रहे हो वही होगा मगर मुखिया जी बात भवन अब कौन हो अगर मगर नहीं हमका राजा जी के पास जाही पड़ी
सिखा तो दे, लेकिन लेकिन का वो हमार मुर्गी अंग्रेज मुख्यालय मध्य प्रांत। लगान माफ करने की शर्त सुनकर अंग्रेज मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैरान हुए। कर्नल बॉयर, मेजर बॉर्न और मेजर कॉटन ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कैप्टन रसल को मुख्यालय बुला लिया। At ease, Captain. You know Major Cotton. That is Major Warren. Take a seat. Now, what is this we hear? That you have agreed to cancel the tax of the farmers in Champenois if they beat you in a game of cricket. Is this true? Yes, Colonel Boyer, sir. It is. What on earth do you think you're here for? To play games? And let me remind you that you are working here for Her Majesty the Queen. And your job is to ensure the smooth running of your province. Pardon me, sir, but that's exactly what I'm doing. I think we'll be the judge of that, Russell. We also understand that if you lose this so-called match, you will cancel their taxes for the next 3 years. Not just Champenois, but the entire province. But they're going to win. You're missing the whole bloody point. You realize, Captain? Major Warren इस बात से गुस्सा थे कि कहीं इस शर्त की वजह से अब लगान माफ करने के लिए सारे देश में क्रिकेट के मैच न होने लगे। रसल उन्हें यकीन दिलाता है कि किसान हारेंगे और रानी विक्टोरिया की तिजोरी 3 गुना लगान से चमक उठेगी। मेजर कॉटन ये जानना चाहते हैं कि और कौन से खेलों में कैप्टन रसल रुचि रखते हैं जिसकी शर्त रखी जा सके। घुड़सवारी? What would you have us do next? Race horses? This is the most preposterous idea I've ever heard of. Captain Russell, the British Empire cannot function according to the whims and fancies of officers like you. Now, jolly well understand this. If you win, you will have had a narrow escape. But if you lose, you will pay the taxes for Champenois and the entire province out of your own pocket. And then you'll be packed off to Central Africa. Is that clear? Yes, sir. That'll be all. You may go. अब इस शर्त से पीछे हटना अंग्रेजी शान के खिलाफ था और इसीलिए कैप्टन रसल को यह चेतावनी दी गई कि अगर वो इस खेल में जीता तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वही 3 गुना लगान सारे प्रांत का वो खुद अपनी जेब से भरेगा और साथ ही उसका तबादला मध्य अफ्रीका के रेगिस्तान में कर दिया जाएगा। Is that the way a soldier behaves? You're supposed to salute when a superior officer passes. I did, sir. I didn't see it. I imagine your meeting did not quite go as expected, sir. Damn right it didn't. The senile old hat's going to teach me how to run the show. They've lost a sense of adventure with age. And what's wrong with little fun and games along with the Lagan? Is the match cancelled, sir? No, of course not. Hey! How dare you hurt my horse! Mere gore ko taklif diye. Ab tum log nahi bachega. तुम कौन से इतना लगा ना सुख करेगा तो पीने को खपरा नहीं रहेगा। तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। जूते की तल्ले कितनी भी मोटी हो सरकार, खिसक जरूर है, फिर कीले चुभने लगती है। राम सिंह,
जी सर। Get him out of here before I kill him. जी जी जी। लागत है हम अंधे रहे, बेमगज। अब हम तुम्हारे साथ हैं, हम कोनो काम आ सकते हैं तो बोलो। तो बड़ी खुशी की बात है अर्जुन, रोटी बन रही है। नो नो अर्जुन, फेस द मैन। लाखा, गोली सच्चाई कहा था का? गोरी में आतो लाखे, हमसे भूल हो गई, पर बात अब भी हाथ में है, हमें भुवन का साथ देना चाहिए। का बोला तू, पगलाई का भाई का? अरे बात समझा कर, देख देख, एक अंग्रेज छोरी हमारा तन पेट बचाए हुए खातिर गांव की मदद कर रही है, हम गांव फुलाए बैठे, लानत है ससुरिया। अल्लाह ने के बाद हमें भुवन का साथ देना ही होगा, चल चल मेरे साथ। सठिया गए होगा, और सठिया गए तो बांस की काठी पकड़ लाओ और ऊपर से डाल लो कफन। भुवन ई तोरा भुवन कभी घाट ना लग पावेगा। ऊ तो का कपड़ी अपने तल में नहीं रखेगा। ए सर बड़ा भुवन, टांग से कपड़ा हटे तो पूरे तन की लाज जावे। मैंने उस दिन जो भी बुरा भला कहा उनके लिए शर्मिंदा हूं, और इस कोशिश में मौला कसम मैं तेरे साथ हूँ, नमाज का ईमान नहीं गवाया है। कितनी बढ़िया बात है भुवन, इस्माइल भैया ने कितनी हिम्मत बढ़ा दी है ना, अब कौन है रोकने वाला। अच्छा है। देख रही है मैम साहब, ये स्टैच्यू मुराद किसकी है? ये राधा किशन का मंदिर है मैम साहब, भगवान किशन और राधा जी की मूर्तियां हैं ये। आज किशन जी का जन्मदिन है इसलिए हमने इन मूर्तियों को सजाया है। बहुत सुंदर है जी, क्या दोनों पति पत्नी थे? अरे नहीं नहीं मैम साहब, किशन जी की शादी तो रुक्मणी से हुई थी और राधा की अनय से, लेकिन दोनों में बहुत गहरा प्रेम था जो एक मिसाल बन के रह गया। आप समझ लो कमल के पत्ते पर सबनम की बूंद जैसा, एक भी नहीं हुए और अलग भी नहीं, जुगों जुगों से दोनों की पूजा होती चली आ रही है। अरे हाँ गौरी, का
तुम बहुत अच्छा काठी हो और नक्सपीपी हो। तो तुम भी होटल में? ना ना, हम भवन की तरह सनकिए थोड़ी हैं सरकार, जो सरकारी पहाड़ से दुश्मनी मोल ले। तुम हमको ये सब क्यों बता रहा है? कटती मुर्गी का दर्द तो मुर्गी ही जाने है अन्नदाता, हम भी कट रहे हैं अंदर से। बस यूं समझो सरकार कि भुवन की हार में ही हमारी जीत है। नाम? लाखा सरकार। लाखा, तुम एक काम करो, तुम्बुवान केरल में शामिल हो जाओ। ये क्या कह रहे हैं सरकार? तुम्बुवान केरल में रहोगे लेकिन काम हमारा करोगे। समझ गए सरकार। So, Eliza, you've been sightseeing. How's the countryside? It's beautiful. The mountains, the woods, the cattle. And the villages? I didn't see any villages. My foot, you didn't see any. You were with the villagers and what's-his-name teaching them cricket. You thought I wouldn't come to know? You had the audacity to go against your own brother? अपनी छोटी बहन की करतूत सुनकर कैप्टन रसल ने गुस्से में आकर एलिजाबेथ का कैंटोनमेंट से बाहर निकलना बंद कर दिया। बेटी हमारा खेल दिन ब दिन सुधर रहा है। तूने जोश मांग गोला फेंका था, कभी कभी टप्पा ही नहीं पड़ा। और अर्जुन, तू गोला मारने के बाद वहीं कहीं खड़ा रहा था। रपरप दौड़। भुवन भैया, आप सबको नहीं, तू नहीं खेल सकता। का है? अरे खेल देखकर समझ लाखा, ये सिर्फ लकड़ी काटना नहीं है, आदमी में कौन हुनर भी होना चाहिए। क्यों भाई? अभी गोली को देख, गोफन की तरह कैसे फर्राटे से गेंद फेंका था। अपना भूरा और यार, अरे हम कहते हैं मुर्गियन की तरह गप्पे गेंद को गुपच लेते। अर्जुन ई का देखो, नाल ठोंकते ठोंकते ससुरा कैसा निशांची होई दवा। सही बात है, ईश्वर का के हाथ से धन न फिसले, गेंद का चीज है। फिर बैद भी है, खेल में चोट चपेट लग गया तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी। और ये बाघा की ताकत कौन नहीं जाने है, एकदम जड़ी बूटी सी। और ये गुरन मातो जूझे का ऐसा जुनून है जो रोग की तरह फैलत है। शनि पराक्रमी है, मंगल बलिष्ठ है। आओ इस्माइल, जहाँ तक हमका याद है गिल्ली डंडा माँ हमेशा हमार टक्कर रही। हाँ टीपू, अरे टीपू तो बहुत है उस यार। अब बता लाखा, तोरे भीतर कौन होना है? हमरे भीतर हम तेजी से दौड़ सके थे। अच्छा तेजी से ठीक है, तो एक काम कर, मंदिर की सीढ़ियां 3 बार तेजी से चढ़ उतर के देखा, तेजी से हो सके है। हाँ
बाघा चल दौड़ गिरियो मत चल चल घूम अरे इससे तेज तो हम दौड़ रहे थे चल चल भुवन इसे हरगिज मत लेना मन का काला है नहीं गौरी हमका एक ही जरूरत है लकड़ी काटते काटते ये के हाथ बहुत मजबूत हो गए जम के गेंद की पिटाई करेगा चल रे अरे पर कोशिश तो कर रहा है ना चिंता मत कर हम मलहम देंगे भाई अरे चार दौड़ के चार क्या लाएगा देख लिया भुवन कहा कहता यार तो बड़ा धीमे भागा बड़ा तेज हम सुधार लेंगे भुवन रोज ही भागेंगे मगर मगर हमका रख लियो ये पूरे गांव पर कालिक पुते ये हमसे बर्दाश्त ना हुई क्या कहते हैं आप लोग एक मौका देके देख ले रख ले देख लिया देखा जाए देख ला का खेल में बदमाशी करने की तोरी आदत छुटपन की है कहीं यहाँ भी तो ऐसा कहा कहते हो इसमें हम पछता ही रहे हैं सच्ची बताओ का सबसे ठीक है लाखा तो हमरे दल में है लेकिन याद रहे लाज बचानी होगी गोरों के लिए ही सिर्फ खेल है लेकिन हमरे लिए हमार जिंदगी हाँ भुवन हम तोरे साथ हैं तुम लोग इस गेम से खेल लो अरे वाह मेम साहब आपके साथ ने हम सब में जोश फूंक दिया है शुक्रिया ये गेम से शुरुआत गोली करेगा हाँ। अभी कुछ होना ही पहले पेट पूजा कर लो अरे गौरी पेट के लिए तो गेंद पूजा कर रहे हैं जरा ठहर जा पहले खेल ले चल गोली चलो सब लोग ए बुरा कुछ तरह वा अरे दौड़ा दिया अरे वहां भुवन काम आ रहा है ए गेंदे भुवन कौन है हाँ मैं भुवन सुना है अंग्रेजा के खिलाफ लड़न वास्ते तुसी कमर कसी है हाँ लेकिन लाठी भाले से नहीं गेंद बल्ले से तो भुवन मैं ये खेल पहले खेल चुका हूं कब मैं अंग्रेजा दे लश्कर विच था एक दिन बर्दाश्त नहीं होया पिस्सुआ दे पुत्रा नु सलाम फेंक कर लौट आया मैनू अंग्रेजा नाल नफरत है मेम साहब हमारे साथ हैं हमारे खिलाफ नहीं
That's good. देवा तुम्हारी गेंदबाजी तो देख ली, अब बल्ला उठा। गोली गेंद फेंक। गोली गेंद अलग रख, कोई नहीं खेलेगा, पहले खाना खा लो। ठीक है ठीक है। अरे भाई सब जने खाना खा लियो। आओ देवा। मुझे जय हो रही है, मुझे जाना हो गया। भगवान तुमसे कुछ कहने हैं। जी मैम सर। बाय बाय जी, नमस्ते। कठिनाई भुवन, मेरा काम तो मुझसे निकलना मुश्किल है। अब मैं तुमसे रोज नहीं मिल सकती, और वैसे भी अब तुम्हें लोगों का साथ है, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी खुद का वजह से है, क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो और अच्छे दोस्त भी। तुम्हें पता है बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था, जब तक तुम मिले। बात नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन डोंट से falling in love with you. मेम साहब हमका अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। falling in love with you. Dua. गौरी कहाँ गई? वो तो गई। कहाँ? ऐसे कहाँ गौरी हमका? हैं? अब क्या जुर्म हो गया हमसे? अरे गौरी, कमाल कर दिया तू! सारा गांव ढूंढ लिया और तू यहाँ बैठी है, रोटी छोड़कर कहाँ आई? मोरी मर्जी। कहा मतलब तेरी मर्जी? अरे कम से कम हमसे कहकर तो आती। कैसे कहती? तू गोरी मेम से तो फुर्सत मिले तब ना, वो के आते ही कबूतर की तरह पंख फड़फड़ाते। अरे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, और आज तुम तो मुझे ऐसे भूल गया जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। अरे गौरी समझा कर, मेम साहब को जरूरी बात करनी थी हमसे। जरूरी बात करनी थी तो वहीं पे नहीं कर सकते थे? अलग अकेले में ले जाने की क्या जरूरत थी? मैं कसम समझती नहीं कि गंगा किधर को बह रही है। ए हाय दर्द मोरे होए बिच्छी के मारे। तो ये जलन हो रही? जलन? मैं कहे जलन लगी, जले मोरे जूती। तो ये जलन हो रही है और मैं जानू किससे? आज के बाद मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगी, और तुम उसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ए गौरी, सारे गांव में एक ही घर है, जी के आंगन में नीम का पेड़ है, बगल में बड़ा सा खेत भी है, एक जोड़ा बैल, दो गाय और तीन बकरियां भी है, और मैं जानू हूं पगली के वो घर मोरा है। और एक और बात सुनती जा, तू माई को पसंद भी है। Telling me what to do? I'm not a child. I'm not leaving Champagnat, and get this straight. I'll go to the village as and when I so wish.
guys. What's so special about them that makes you go against your own brother? Nothing special about them. You're the one who's being unfair with your silly challenge. That's why I decided to help them. And you mark my words. They'll give you a tough fight. How's that? Shot, Burton. Well played. Oh. How was that? That is out, sir. That's the end of the day's play, gentlemen. Followed by Brooks. Wesson, North, Benson, sir. Harrison, Flynn, Willis, Yarrow. What? क्या लगा तेरे स्माइल? कौन होना चाहिए? हमका तो लगा रहा है. कहाँ भाई? कहाँ हो रहा है? भाई सब लोग तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं. हमका एक 11वां खिलाड़ी नहीं मिल रहा. ले अब ही इंतजाम किए देते हैं. भीमा को ले लो. भीमा? अरे नहीं मुखिया जी, सिर्फ नाम का भीमा है. जरा जरा देर में पीठ का दर्द होता रहता है. तो फिर काशीनाथ कैसे रहेगा? काशीनाथ? हाँ. ससुरा दौड़ते बखत आला तिरछा होएगा तो काशी अलगनाथ अलग. अरे तुम्हें क्या किया जाए? मुखिया जी हमका तगड़ा आदमी चाहिए. आप रहने दीजिए, देखा जाए. देवा तुम गेंद फेंको. ईश्वर काका आप अल्लाह संभालो. चलो भाई सब लोग भाई जाओ. देवा ईश्वर काका को जरा धीमे से. चंगा जी. गेंद फेंक. अरे कहाँ देखा थे? गेंद फेंक ना. अरे क्या किया तूने? मैंने क्या किया? तुम ही कहो फेंको सर. इधर. अरे इधर है ना. मैंने कुछ नहीं किया. तुम्हें कहो फेंको सो मैं फेंका. अरे सब लोगन इधर आओ. अली जमीन साहब गौर से देखो कचरा को की गेंद को. ए कचरा जरा फिर से फेंक. मैंने कोई जुर्म नहीं की. ये भुवन भैया जो कहा सो मैं फेंका. कचरा गेंद फेंक. नहीं नहीं बाई से नहीं. नहीं हाथ से फेंक. देखा का फिर की मारत है. Actually spinning the ball. मिल गवा हमका हमारे 11वां खिलाड़ी. चल कचरा इस जगह का आप सामना कीजिए. गोली कचरा को देखा गेंद कहां से फेंकनी है. लाका टर्नियों के पीछे. अर्जुन ला गेंद फेंक. अरे क्या हुआ? सब जने खड़े खड़े मुंह काहे ताक रहे हो? अरे भुवन ना ना हम नहीं खेलेंगे. राय क्या हुई गवा? अरे ये ससुरा अछूत हमरे साथ. ना ना ये हमरे साथ नहीं खेल सकत. पक्की बात. अब वो एक अछूत के साथ अंदर नहीं मिलाएंगे. ये नहीं हो सकत है भुवन. तनी सोचो ये हम नहीं खेलब. अब हम ना खेलब भुवन. ए भुवन ये कहां नट कर रहे हो? तलवार की धार से गन्ना काट के खेत कलंकित कर रहे हो? गोरों के साथ लड़ना धर्म है पर एक अछूत का साथ नहीं दे पूरा दूध भ्रष्ट होने नहीं देंगे हम. एक कचरा बट चल भाग यहां से. कचरा
दूध पर छूत अछूत की छाप लगाई के दूध तो आप ब्रश कर रहे हो। सारे गांव की सांस ही छूत अछूत के धुएं से काय घोट रहे मुखिया जी। चमड़ी के नाम पे मन को छलना का नेक काम है का? और आप ही सरकार का, आप तो वैद्य हो, पीड़ा हरते हो, रोगी की नाड़ी परख के उसका इलाज करते हो। का आपका शास्त्र यही कहता है कि अछूत का इलाज न किया जाए, उसका मरने दिया जाए? अगर ऐसा है तो ये इंसानियत के नाम पे सबसे बड़ा कलंक होएगा। और फिर आज के बाद कोई भी वैद्य को भगवान का दूसरा रूप नहीं मानेगा। वो सब छोड़ भुवन, तू तो तगड़ा खिलाड़ी चाहे था ना, ये कचरा तो लूला है। तेरे हाथ सलामत है ना, देवी माँ मेहरबान है, लाखा सो कह रहा है। मगर जिस कलाई को तूने लूला कहा है वही हमार सबसे बड़ी ताकत बनेगी, देख लेना। ये बेजान सा पंजा ही हमका जीत लाएगा। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दूं, ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली। पर उनके वास्ते मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा। भुवन बेटा, जो आंखें पूरी तरह से खुल गई हो उनमें तो शर्म भी नहीं आ सकत। मैं ईश्वर भाई से सहमत हूं भुवन, तो ठीक ही कहा था। कचरा हमारे साथ खेलेगा। और फिर उस ऐतिहासिक दिन की सुबह हुई जब सूरज की पहली किरण क्रिकेट के मैदान पर पड़ी। This way? Thank you. Morning, Mr. Russell. Russell?
feeling confident, Captain? Yes, sir. Decent crowd. 이 공가 스티 나 인로 가다샤바 스티 나 우저 비스바비다 스티 나 우저 아리스타네미 스티 나 우저 브라하스파티 다다토 자이 डालो कैप्टन रसल के अहंकार को। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। Things are certainly beginning to hot up a bit, aren't they? Yes. दोनों दल एक एक बार बल्लेबाजी करेंगे और तीन दिन का खेल होगा। कौन सा दल पहले बल्लेबाजी करेगा उसका फैसला सिक्का उछाल कर किया जाएगा, जिसके लिए दोनों दलों को मैदान में आना होगा। खेल को सच्चाई से परखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने कानपुर से ईमानदार एम्पायर्स को आमंत्रित किया। Will you call Captain Russell? Head, sir. Head, your call. बल्लेबाजी करेंगे। Good luck, Captain. Thank you, sir. Good luck, young man. जो दल बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा दौड़ बनाएगा जीत उसी की होगी। और अब अंग्रेज दल की बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए हैं लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट बर्डन। देखा ही तरफ दौड़ने लगते हो, जिसकी तरफ गेंद जाएगी वही दौड़ के लपकेगा, समझे? चलो जाओ। ठीक है, समझे? समझ पूरा बहुत अच्छे। Thank you.
गेंद सीमा रेखा के पार और अंग्रेजों को चार दौड़े और मिली। देखो क्या कहा था, नो बॉल। स्टडी स्मिथ, स्टडी। देवा ने लकीर के बाहर जाकर गेंद फेंकी, इसलिए फिरंगी खिलाड़ी को बाद नहीं किया गया बल्कि उन्हें एक अतिरिक्त दौड़ मिली। अरे चला गया। That's over. कचरा। इस गेंद के साथ चलो सब जाने घूम जाओ। देवा की पारी खत्म, जिसमें आठ दौड़े बनी। अब नया गेंदबाज गेंद फेंकेगा। आगे आगे गेंद फिर के मारेगी, लपक लेना। ठीक है। फिरकी मार, फिरकी। गेंद फिरकी का नहीं मारा था।
समझ में नहीं आवत है क्या करूं। क्या किया तूने? इधर आ, इधर आ। ये कहाँ हो? फिर पकड़ा जीवू का किन? समझ में नहीं आता। The ball turned on its 3 feet. On a hat trick. दुश्मन की नली घुमावत है। अब आ आ आ, 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 जा, जा वापस। इसी भारत टापू पर जाता है। भारत का सभी चारों तरफ जा करी। देखो किधर चला। Thank you.
Absolutely, Major Carton. अरे कचरा का जादू चला सब फिरंगी लुढ़क गए। अरे भैया हमका तो लगा भुवन बहुत बड़ी गलती कर रहा तो का फिर से गेंद देख लेकिन अच्छा फेंका बहुत अच्छा। और फिरंगी ससुर आगे देखे में लगा रहा और गेंद पीछवाड़े से निकल के फुर्र से होकर डंडे ही उड़ाए थे। बहुत बढ़िया हंसी मजाक तो सब ठीक है पर अभी सोचो कि ई ससुरे 323 दौड़ कैसे पूरी हुई है। हो जाए मुखिया जी सब जने सुनो इस्माइल लाखा बागा देवा अर्जुन ये 323 दौड़ बनाने की जिम्मेदारी हम 6 लोगों पर ही है। बाकी की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर है इसलिए हम 6 लोगों का बहुत संभाल के और धीरे से खेलना होगा। देवा बल्लेबाजी की शुरुआत हम दोनों करेंगे और आज खेल खत्म होने तक हम दोनों को ही डटे रहना है। चलो भाई you
I'm saying. All right. Don't forget the crease. Very bad luck. अब किसकी बारी है? अर्जुन. अर्जुन जमके. सारी है कहीं बुला दे. इन फिरंगन की. शाम तक डटे रहना. शाम तक. संभल के. को रोटी नहीं होगा, पहने को कपड़े नहीं होगा. अर्जुन, जो तब सैनिक की कोशिश करते हैं, तू साथ रहना. खाने को रोटी नहीं होगा, पहने को कपड़े नहीं होगा. हम तुमसे चिंगोड़ लगान बसु खाएगा. अर्जुन को तो अफसाने की कोशिश कर रहा है, तू साथ रहना. तुम साला गुलाम लो हमारी चुटी के नीचे ही रहेगा. संभाल कर अर्जुन, शांति रख, शांति. धीरे खेल अर्जुन, धीरे. Hardly? Knock his bloody head off.
शाम बागा शांति से खेल बागा बागा जोश मरा के मत खेल जा बेटा ध्यान से इस्माइल चलते मस्त बेटा That was close. It certainly was, Your Highness. End of day's play. Great bowling, Yardley. Well bowled. We've got them on the run. भुवन हमरे पांच पक्के बल्लेबाज तो गए पक्का हुई दादा ने और इस दौड़ के साथ ईश्वर काका के 10 दौड़ पूरे हुए ईश्वर काका बहुत अच्छे नहीं दौड़ पाए नहीं दौड़ पाए गलती हमार थी नहीं दौड़ पाए
कौन सताइए जाकी मोटी आए मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए कुरान पढ़ कर चौड़ा कुरान Stand back. Don't get too close, Smithy. Watch yourself. What on earth is he doing? This way, sir. What an extraordinary stance. It looks as if he's riding a horse. This ball you'll be on the right back, please, sir. Ryu. Umpire, you can't do that. It's not cricket. Duran, gain to sir dekha hi dafa maar. Theek hai. Jai Bajrang Dali tha. That's called kicking the horse. Sir, Dariya, turn the smoking. Umpire, that's who my guy. जम के खेलना तोरे बाद अब सिर्फ भूरा और कचरा ही बचे बाबू जम के जोर लगा के गोली लाज रहा तो जा बेटा जा खेलना गोली अरे डराया ना सजरे जम के खेल संभाल के गोली संभाल के कम ऑन वाले शी इज नर्वस यस ऑन ऑन वाले ससुर पहली गेंद में बुरा तुम रुको हम जाते ऐसी हालत में देख टीपू जब मैं आवाज दू तब ही दौड़ना हाँ नहीं तो लकीर के अंदर रहना समझा शाबाश अब जा इस तरफ खड़ा हो जा लेकिन लकीर के अंदर हाँ शुक्र है तो आ गया इस्माइल इस्माइल अब बाकी के दौड़ हमका ही बनाना है और कौनों नहीं बचा है फिक्र मत कर भुवन अब तू देख इंशाल्लाह जीत हमारी होगी बस हमका धीरज से खेलना होगा चल चल
गेंदों में 20 दौड़े बनानी है, 18 में 30। हाँ चलो बाबू। टीपू वापस कहाँ आ रहा है? अब 16 गेंदे बाकी हैं और 28 दौड़ बनाना है। बुरा, तू एक तरफ डटा रहना, अपनी डंडियां मत गिरने देना। हाँ, मैं दौड़ बना लूंगा। शाबाश। Petrified Willis, get him on strike. Oh, Willis, two more to go.
ससुर ने चार दाल कर दी। बुरा तेरी बल्लेबाजी है, डट के खेलना, डंडी ना उड़ने पाए। शाबाश। कप्तान रसल की चालाकी की वजह से भुवन एक दौड़ नहीं बना पाया। अब भूरा को बल्लेबाजी करनी होगी। चंपानेर दल को जीतने के लिए 12 गेंदों में 12 दौड़ बनाना है। चले भाई, सब कुछ तेरे हाथ में। अरे कुछ है वापस अब भुवन का साथ तुम्हें देना है। जमा के कचरा डर मत, चला जा। नाम लेके जा। All right, gentlemen, remember this chap, don't we? Welcome back. Oh dear. Last man in, and he's severely disabled. अब आखिरी बल्लेबाज बचा है, 11 गेंदों में 12 दौड़ बनाना है। Wesson, short leg, stay in close on him. Right, sir. Blow the field. Come on, Smith. Let the cripple take the shot.
Don't give away anything. Just get him. Gentlemen! ये गेंद हमका दौड़ लेना ही होगा। अब खेल की आखिरी दो गेंद बची है, समझा तू? लेना ही होगा हमका दौड़। चल शाबाश। कचरा, हमका एक दौड़ लेना ही होगा, बस छू के दौड़। Everybody close in, stop the single, close in. Come on. अब आखिरी गेंद बची है। जीतने के लिए 5 दौड़ बाकी है, तुझे गेंद सीमा पार करनी होगी कचरा, नहीं तो 3 गुना लगान सबकी जिंदगी तोरे हाथ में कचरा। कुछ कर कचरा, कुछ कर। Just once more. Field. Mar kachra. Mar kachra. Mar kachra. Mar kachra. Mar kachra.